तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। कि मिलिट्री छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बंदूकें तान कर खड़ी है, ये मर्दानगी है, ये इंसानियत है। और कहाँ है मुल्क, यह दुनिया के बाकी मुल्क कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी दुनिया में जिस किसी के ऊपर नाहक जुल्म होगा हम उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और तमाम मुल्कों के लोग अमन की बात करते हैं, तो अभी फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इनका अमन वाली बात कहाँ गई? आज कुछ एक दो मुल्कों को छोड़कर आज पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं सब खामोश रहकर तमाशा देख रही है। लब्बैक 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 या फिलिस्तीन, लब्बैक 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 या फिलिस्तीन, फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ हैं। मैं सैयद अफसर अली ताशका लंगर से, आज हम लोगों ने यहाँ फिलिस्तीन के सपोर्ट में और इसराइल के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें हमारा ये कहना है कि अगर छोटे बच्चों पे जुल्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ पर्टिकुलर कोई समाज या कोई मज़हब खड़े नहीं होता है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला एक इंसान ही होता है। और ये इंसानियत के तकाजा है कि ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़ में इंसान ने आवाज़ उठाना चाहिए। तो हम एज ए इंडियन मुस्लिम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अपने मज़हब को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आज इसराइल के साथ खड़े हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, हमारे भी ये वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल होंगे, देखेंगे लोग, और हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में कई लोग गालियाँ भी बकें जो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या वो लोग अपने आत्मसम्मान को खो चुके हैं? क्या वो इस बात को सोचकर, इंसान अगर एक सादे दिमाग से भी एक डिसीजन ले कि छोटे बच्चों को अगर मार दिया जाता है तो भी अगर हम ऐसे देश के सपोर्ट में खड़े हैं जो बच्चों को मार रहा है, तो हमारे अंदर कितना आत्मसम्मान मौजूद है, हम किस हद तक के ईमानदार हैं, ये खुद उसने सोचना चाहिए। वो लोग जो कमेंट बॉक्स में गालियाँ बकते हैं या फिर जो ये कहते हैं कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में नदियों के अंदर में लाशें तैर रही है, ये हाल हो चुका है मुल्क का। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाए उन्होंने गवर्नमेंट के पास में इस बात को लेकर आवाज़ उठाई, इस मुद्दे को उठाया उन लोगों ने, लेकिन आज वो लोग कहते हैं कि आई एम स्टैंड विद इसराइल। तो उनको अगर इस बात का शौक है तो खड़े रहिए आप इसराइल के साथ, लेकिन अपना खुद का मुआयना कर लीजिए अंदर से कि आप सच के साथ हों या झूठ के साथ हों, इंसानियत के साथ हों या हैवानियत के साथ हों, ये उन लोगों ने सोचना चाहिए। और हम सब लोग यहाँ पर जो ताशका लंगर टीम है, एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटर, एज अ इंडियन, हम यहाँ से ये घोषणा करते हैं कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम उस मुल्क के साथ खड़े हैं कि जहाँ के छोटे छोटे बेगुनाह बच्चों को मार दिया गया, हम उस मुल्क के साथ में खड़े हैं जो उसका खुद का था, फिलिस्तीन एक खुद का एक मुल्क था, इसराइल वहाँ पे मेहमान बनकर आया था लेकिन आज उसने वहाँ पे काबिज हो चुका है, कब्ज़ा कर लिया है। तो हम ऐसों के साथ नहीं खड़े जो दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले। और आतंकवाद क्या है, इसराइल ने जो किया वो आतंकवाद है, मुस्लिमों को मारना आतंकवाद, मुस्लिमों को मारना आतंकवाद नहीं है, बेगुनाह इंसानों को, मजलूमों को मारना आतंकवाद है। तो इस तरह का आतंकवाद जो है, जब अपने यहाँ पे इंडिया में जब आतंकवाद को इसी तरह डिफाइन किया गया कि जुल्म करने वाला जो है उसके ऊपर में जिसने जुल्म किया, जो जालिम है वो आतंकवादी है, तो आज हम लोग इसराइल को आतंकवादी क्यों नहीं कहते? और जो लोग उसका समर्थन करते हैं वो लोग भी कहने के आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोग हैं। बस इसी के साथ दिखा रहा है, उनको भी उड़ाया दिया जा रहा है करके बता। और सोशल मीडिया या फिर गोदी मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हम देखते हैं कि जो गोदी मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं इसराइल को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो सपोर्ट गोदी मीडिया का भी नज़र आ रहा है तो करे वो, लेकिन उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि अपने देश में जो वास्तविकता है वो भी देशवासियों को दिखाना चाहिए, जो नदियों में तैरती लाशें हैं उनके साथ में क्या हो रहा है वो भी दिखाना चाहिए। इस पैनाडेमिक में जो है इंसान एक दूसरे के लिए अपने मज़हब को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई आगे नहीं आया, सारी संस्थाएं जो है वो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, इंसानियत के सपोर्ट के लिए आगे आई। और हमने भी तंजीम ताजका लंगर की तरफ से बहुत कुछ किया, हमसे जितना हो सका हमने किया। तो इसी तरह हम लोग उन लोगों के लिए भी दर्द रखते हैं जिनकी लाशें नदियों में तैर रही है, हम चाहते हैं कि उनके साथ भी इंसाफ हो। इस तरह से देश का बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे जो थू जो हो रहा है, यानी देश के ताल्लुक से जो लोग बोल रहे हैं कि गलत प्रतिक्रिया जा रही है विदेश को, तो ये नहीं जाना चाहिए।
लेकिन सरकार क्या कर रही है इसमें, जो तैरती हुई लाशें मिल रही है उसमें सरकार क्या कर रही है? जो इतनी छोटी छोटी जो संस्था है वो करते हुए दिख रही है काम, लेकिन जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही। बिल्कुल, मेरा कहना वही है कि ये जो छोटी मोटी संस्था है, जो NGOs है, ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है। वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाए। जो संस्था है वो तो अपने लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार में भी कोई ऐसा है कि जो इसराइल के साथ खड़ा है, तो मैं उनसे ये अपील कराना चाहूँगा कि इस वक्त देश की जो हालात है उनके लिए भी आप सोचें, इन नदियों में तैरती हुई लाशों के बारे में सोचें, जिस तरह से पैनेडेमिक में लोग भूखे मरे उनके बारे में सोचें। पहले आप ये सारी चीज़ों को सोचकर उसके बाद में फिर आप इन सारे कामों से जब फ्री हो जाए, इन कामों में आप कामयाबी हासिल कर ले, उसके बाद में अगर आप आके कहेंगे कि आई एम स्टैंड विद इसराइल, तो हम उस बारे में सोच सकते हैं कि नहीं, आप भी इंसानियत के लिए काम कर रहे हो। अगर आप इस तरह से देश का हाल है और आप कहते हो कि आई एम स्टैंड विद इसराइल, तो आप हैवानियत के साथ हो, तो आप खुद ही तय कर ले आप कौन हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसराइल जो मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, आज कुछ एक दो मुल्कों को छोड़कर आज पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं सब खामोश रहकर तमाशा देख रही है ना। यूनाइटेड नेशन का जो काम है, जो एक कमेटी होती है दुनियावी लेवल पे, जिसमें सब मुल्क हाजिर होते हैं और तमाम मुल्कों के लोग अमन की बात करते हैं, तो अभी फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इनका अमन वाली बात कहाँ गई? कहाँ गए वो सेक्युलर लोग? कहाँ गई वो कंट्रीज जो बात करती है कि फलानी कंट्री आतंकवादी है, ये कंट्री आतंकवादी है, ये संगठन आतंकवादी है? आज जो फिलिस्तीन के ऊपर जो बच्चों को छोटे छोटे नन्हे नन्हे से 2 महीने 5 महीने 6 साल 8 साल के बच्चों के ऊपर वहाँ की मिलिट्री, आप फोटोज़ में देखें, आपको दिखेगा वहाँ पर कि जो वीडियोज़ आ रहे हैं, वहाँ की मिलिट्री छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बंदूकें तान कर खड़ी है। ये मर्दानगी है? ये इंसानियत है? और कहाँ है मुल्क, यह दुनिया के बाकी मुल्क कहाँ है जो इंसानियत की बात करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे भारत में रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भारत का मुसलमान यानी डरपोक मुसलमान नहीं है, वो इंसाफ पसंद मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी दुनिया में जिस किसी के ऊपर नाहक जुल्म होगा, हम उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। हम इसलिए फिलिस्तीन के साथ हैं कि मुस्लिम कंट्री, इसलिए नहीं उसके ऊपर जबरन जुल्म हो रहा है। जिस किसी के ऊपर भी जो जालिम जुल्म करेगा, नाहक जुल्म करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, है ना। तो फिलिस्तीन के ऊपर इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा किया, और आपको लोगों को तो पता है कि अगर किसी की जगह पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का कानून क्या है। हर मुल्क में अगर हम किसी की जगह हड़पते हैं तो मुजरिम हड़पने वाला होता है ना। मजलूम है फिलिस्तीन, तो हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे कि जालिम के साथ खड़े रहेंगे? हमारा काम है मजलूम के साथ खड़े रहना, और फिलिस्तीन मजलूम है। वहाँ के लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बॉम्बिंग की जा रही है, वहाँ के लोगों को सताया जा रहा है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह भारत का जितना भी मुसलमान है, पूरी दुनिया का मुसलमान, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और कई ऐसे सेकुलर मज़हब के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जिनको इंसानियत समझती है वो भी आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है ना। जो इंसानियत के सपोर्ट में है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, और जो आतंकवाद के सपोर्ट में है वो इसराइल के सपोर्ट में है ना। तो सब मिलकर एक मरतबा हम फिलिस्तीन के साथ है। लब्बैक 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 या फिलिस्तीन, लब्बैक 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 या फिलिस्तीन, लब्बैक 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 या फिलिस्तीन, लब्बैक लब्बैक या फिलिस्तीन, लब्बैक 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 या फिलिस्तीन। फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ है, फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। इजरायली प्रोडक्ट के बारे में क्या है? देखिए, इजरायली प्रोडक्ट के बारे में तो यही है कि हम उनको पैसा कमा के दे रहे हैं ताकि वो हथियार खरीदे। आज फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कल हमारे मुल्क की तरफ भी उसमें नज़र उठाने वक्त नहीं लगेगा, है ना। हथियार खरीदेगा, 2, 4, 5, 10, 100, 1000 मिसाइल हमारे मुल्क में भी दागने उसे टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो हम फाइनेंशियली उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि हमें बाहर के मुल्कों से वो सामान लेना ही ना पड़े, है ना। हम रेडीमेड प्रोडक्ट्स लेते हैं वहाँ के, क्या हम लोग यहाँ नहीं बना सकते? हमारा मुल्क इसराइल से बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क में एक से एक टेक्निक है, एक से एक टेक्नोलॉजी है,
तो मेहरबानी करके यहाँ जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इसराइली प्रोडक्ट का बायकाट करें। बायकाट करने का मतलब ले ही ना, मैं तो दुकानदारों से कहता हूँ अगर दुकानदार अपनी दुकान में वो सामान रखेंगे नहीं तो लोग खरीदेंगे क्यों। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी होलसेलर हैं, वो इसराइली प्रोडक्ट को ना मंगाए ना ले, क्योंकि हम इनके पैसों से मदद करते हैं, ये हथियार खरीद के मजलूमों पर जुल्म करते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ अगर वो चाहते हैं कि इंसानियत का सपोर्ट हो तो वो इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट करें।